हेलो एवरीवन, आई एम हियर विथ यू। आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो एज वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो अबाउट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हाउ टू सेव द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हाउ टू मेक अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट टू सेव द फॉरेस्ट। नाउ टुडे इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस हाउ कैन वी मैनेज वाटर, एज वाटर इज एसेंशियल for our life. So in today's video we'll study about water management. Okay students, so that's why I have put the picture of many ways to save water, right? Because water is a basic necessity after the forest which will make us survive in this planet. So how to save water? There are many ways where we can save the water. We can use the half flush reservoir of the toilet flushes. We can repair the leaks in the water system, जो हम कभी भी नहीं करवाते हैं। जो टेप्स होते हैं वो बहुत ही लूज होते हैं जिसके कारण पानी लीक होते हैं। Okay students, we must use a tumbler to bath instead of using the bathtub. And at last, we have to reduce the time of taking shower. Okay, so these are the ways. There are many more ways in order to save water. Okay, so these are the ways how you can save water. Now, let's look at the problem that globally it's faced right now. That is global water crisis. What is the meaning of global water crisis? कि दुनिया में पानी की कमी क्यों है? उसके 7 reasons हैं students. पर हम यहाँ पे 6 रीजंस डिस्कस करेंगे जो बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो टेक्स्ट बुक में भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर वाटर क्राइसिस। सो फर्स्ट रीजन इज वी आर चेंजिंग द क्लाइमेट ड्यू टू मैनी ऑफ द फैक्टर्स। वी आर चेंजिंग द क्लाइमेट बाई क्रिएटिंग पॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट्स, बाई बर्निंग द फ्यूल्स, okay, by deforestation. So these all are the reason that we are changing the climate. We are making dry areas drier and precipitation more variable and extreme. So dry areas hai jo sookhe areas hai wo aur sookhte ja rahe hain, aur precipitation jahan pe nahi hai wahan pe badh raha hai, jahan pe tha wahan pe ghat raha hai. Precipitation matlab ki water ka content, moisture ka jo level hota hai wo, theek hai student, to moisture level hai wo bhi वेरिएबल हो रहा है, कहीं कहीं जगह पे एक्सट्रीम हो रहा है, उसके कारण बारिश है। वो जो रेनफॉल प्रोन रीजियंस थे पहले जो, अब वो चेंज हो रहे हैं, मतलब जहाँ पे पहले कम बारिश गिर रही थी वहाँ पे अभी ज़्यादा बारिश गिर रही है। आई थिंक प्रैक्टिकली ऑल्सो यू हैव समटाइम्स नोटिस दिस फैक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस टू द सेकेंड रीजन, दैट इज मोर पीपल प्लस मोर मनी विल रिक्वायर मोर वाटर, दैट इज़ द डिमांड विल इंक्रीज डे बाई डे। जैसे जैसे एक पर्सन के पास रुपए बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उसके पास जो वाटर की कैपेसिटी है वो घटती जाएगी, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी अच्छी आएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डायरेक्टली वो किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ बीइंग डिप्लीटेड, ग्राउंड वाटर इज बीइंग डिप्लीटेड, इसका मतलब क्या है कि वेल्स, ट्यूब वेल्स, कैनाल्स, ये सब में पानी है वो कम होता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब कुछ जो ये सब चीज़ें हैं उसमें पानी कम होता जा रहा है। आगे जाते हैं, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन ए डिसमल स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ वाटर is there in enough capacity in an area is not enough. थोड़ा contrasting statement आपको लग रहा होगा कि सर अभी water बचाने की बात कर रहे हैं और अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जहाँ पे पानी है वो उसमें ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें sufficient quantity में है। student, पानी है वो transport होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचना चाहिए। दूसरा, वो ट्रीट होना चाहिए,
ठीक है, वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है, वो यूज़ेबल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही स्लोअर रेट में हो रही है, हो तो रही है पर बहुत ही स्लोअर रेट में हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द फैक्टर्स, कि ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको लग रहा होगा कि अभी पानी है उसके क्राइसिस के कारण बहुत सारे हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं कि नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बीइंग इग्नोर्ड। नाउ व्हाट कम्स इन अ नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर? इफ़ यू थिंक व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड अराउंड अस, जस्ट थिंक एंड यू विल गेट द आंसर। द नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स ट्रीज, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, दिस ऑल आर डिक्लाइनिंग डे बाई डे। सो दैट्स वाई द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। एंड एट लास्ट एंड मोस्ट कॉमन रीजन by which the whole world is suffering the water crisis is water is being wasted in a very bad manner. Water है वो बहुत ही ख़राब तरीके से use हो रहा है और उसके कारण वो waste हो रहा है। ठीक है, water भी एक बहुत ही valuable resource है जो अभी सभी human beings, जो common people है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है students, तो अब हम आगे जाते हैं। इसके लिए there must be some system to preserve water, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। ठीक है, हमारा पूरा इंडिया है वो बारिश के सीजन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो बारिश अच्छी नहीं हुई तो उस साल वाटर स्कैर्सिटी होती है। तो वाटर स्कैर्सिटी ना हो एक साल, डेढ़ साल या दो साल, उसके लिए ट्रेडिशनली एक इरिगेशन सिस्टम या फिर एक वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हुई है राइट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स रूल। सो दिस इज वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो उसमें आता है डैम जो अभी भी यूज़ हो रहा है। डैम्स आर द स्टोरेज ऑफ वाटर विच इज़ यूज फॉर मैनी ऑफ द पर्पज राउंड अ ईयर व्हेन देर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो वही लिखा है, विच आर द बेनिफिट्स ऑफ द डैम प्रोवाइड अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल बेनिफिट इंक्लूडिंग रिक्रिएशन, मतलब कोई भी एरिया है वो डेजर्ट हो गया है उसको फॉरेस्ट में चेंज करने में भी काम आएगा। फ्लड कंट्रोल, फ्लड को कंट्रोल करने में काम आएगा, क्योंकि एक हाइट, आप एक बड़ी सी हाइट बना के उसको पानी को स्टोर करते हो तो फ्लड नहीं आएगा जो लो लाइंग एरियाज है उसमें। वाटर सप्लाई है उसको फुलफिल कर देगा, पानी की जो कमी थी वो अब नहीं रहेगी। हाइड्रो पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन क्या है स्टूडेंट्स? अगर आपको मालूम ना हो तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, फिर हम इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर ये एक डैम है, ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पे एक ब्लेड जैसा लगाया है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको मैं बोलूँगा रोटर, जो रोटेट होता है, कुछ भी अगर आप कोई भी डायरेक्शन से उस पर फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट होगा। तो अगर पानी है वो एक हाइट से आएगा, तो आपको मालूम है एक हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो उसके पास उसके खुद का पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आप अभी ऐसे समझे कि यहाँ पे कोई बैरियर है, अब ये बैरियर है वो हट गया है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये पानी है वो फ्लो होगा नीचे, ये फ्लो होगा तो क्या होगा? ये रोटर है वो रोटेट होगा, तो ये रोटर है वो फिर से स्टूडेंट्स कनेक्टेड होता है डायनामो के साथ। इट इज़ कनेक्टेड टू डायनामो and this dynamo will give you a potential difference or a voltage from which the electricity can be generated. ठीक है students, और dam है तो उसके आसपास आप देखोगे कि wild life habitat है वो भी अच्छे से conserve होके रहते हैं। dam है उसके आसपास जहाँ पे भी forest होंगे या greeneries होंगी वहाँ पे wild life habitats है वो भी अच्छे से flourish हो जाएंगे। So dams provides prime recreational facilities throughout the United States. तो जो जो भी चीज़ें पहले बंद थी वो सभी चीज़ें हैं वो अभी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि डैम्स है वो सबसे ज़्यादा बिल्ड हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और सेम वे इंडिया में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डैम्स कैसे होते हैं आप सबने देखा होगा, ये है डैम, डैम का पिक्चर जहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है वो बहुत ही डीप होता है। ठीक है, डैम्स आर टू मच डीप, दे आर टू मच डीप स्टूडेंट्स, और यहाँ से जो पानी निकलता है तो हाइड्रो पावर स्टेशन यहाँ कहीं पे होगा जिसके कारण वो रोटर्स घूमेंगे और डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। नाउ
Apart from the pros, there are also a cons of dams. So which are the disadvantages of dams? Dams can displace a significant number of people. तो डैम्स है स्टूडेंट्स, वो रिहेबिलिटेशन करवाएंगे कई सारे पीपल का, मतलब कि जहाँ कहीं पे भी डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला है, अगर वहाँ पे पहले कोई लोकल पीपल है वो रह रहे होंगे तो उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देयर मस्ट बी अ रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल। रिजर्वोयर बिहाइंड अ डैम कैन लीड टू अ हायर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जो रिजर्वोयर्स है डैम के पीछे, वो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस में कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को आगे बढ़ाएगा। द टेक्नोलॉजी डिसरप्ट्स लोकल इकोसिस्टम्स। तो वहाँ के जो लोकली इकोसिस्टम है, छोटी छोटी फूड चेन से फूड वेब है, वो सब स्टॉप हो जाएगी। सम रिवर सेडिमेंट्स इज बेनिफिशियल। तो उससे अच्छा है कि रिवर में से जो रिमेन्स है वो हमें बेनिफिट करेगा। डैम्स क्रिएट अ फ्लड रिस्क इफ दे एक्सपीरियंस अ फेलियर। इट्स अ वेरी मच पॉपुलर डैम फेलियर इंसिडेंट इज वेरी मच पॉपुलर इन मोरबी सिटी व्हेन मच्छू डैम वाज ब्रोकन व्हेन द वॉल्स ऑफ द डैम्स वाज ब्रोकन ड्यू टू द हैवी प्रेशर ऑफ वाटर बिकॉज द वाटर वॉज नॉट रिलीज एट अ प्रॉपर टाइम during the heavy monsoon that was experienced in monsoon in Morbi. Okay students, so dam can also be a high risk if it causes failure in its own, if it cannot handle the pressure of water. Okay, so same incident, the disadvantages of building a dam is also given in your textbook, and besides looking to the disadvantage, means how these disadvantages are listed, was after Narmada Bachao Andolan, means when the Gujarat government was planning to increase the height of Narmada, then the water level was too much high, and when this water is released, then it was traveling to the states of Madhya Pradesh, and the people which are residing near the low-lying areas, they have filed a case against Gujarat government's Narmada dam raising height issue. Okay students, so जो भी people मध्य प्रदेश में low lying areas में रह रहे थे, उन्होंने गुजरात government का जो ये फैसला था कि जिसमें height बढ़ने वाली थी, उसके against उन्होंने court में case file किया था। क्यों case file किया था, क्यों criticize हुआ था ये नर्मदा आंदोलन जो है वो? तो सबसे पहले सोसाइटी प्रॉब्लम, बिकॉज देयर डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ पीजन, जैसे मैंने बात किया रिहेबिलिटेशन जिसे बोलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें वो हमारे सबके पब्लिक मनी है वो ज़्यादा स्वेलो कर जाएगी गवर्नमेंट, और उसके सामने जो भी पर्सन रिहेबिलिटेट हुआ है उसको प्रॉपर अमाउंट में कंपेंसेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। थर्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट इनॉर्मसली टू डिफॉरेस्टेशन। जहाँ पे भी डैम बनेगा स्टूडेंट्स, वो ज़मीन में पहले ट्रीज होंगे, वो ज़मीन में पहले इकोसिस्टम रहेगी, तो जहाँ पे भी इकोसिस्टम्स हैं तो फॉरेस्ट है वो सब कट हो जाएंगे, तो वो डिफॉरेस्टेशन क्रिएट करेगा, और इसके कारण जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो भी लूज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो स्क्रीन में वाटरशेड मैनेजमेंट का पूरा एक मॉडल दिखाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि जो स्नो है वो वाटर स्टोर कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें से जो भी पानी है वो मेल्ट हो रहा है, वो एक पूरे एक रास्ते से वो आ रहा है और वो पूरा एक रिजर्वोयर में जा रहा है, आप देख सकते हो ये पूरा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या हो रहा है? इवोपरेशन हो रहा है, मतलब कि ये सब जो पानी है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब पानी है वो ऊपर चला जाएगा, फिर क्या होगा? इट्स अ मॉडल ऑफ वाटर साइकिल। Due to evaporation, clouds will be accumulated. Then after condensation, it will fall in the form of rain. ठीक है, थोड़ा बहुत precipitation के कारण भी water vapor है वो ऊपर जाएगा। ठीक है students, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो water table है, यहाँ पे ground flow है। ground water flow का मतलब है कि जो भी rain water है वो percolate कर सब river में और ocean में चला जा रहा है। यहाँ पे surface runoff हो रहा है जो mountain से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे soil moisture है। percolation का मतलब जब पानी है वो एक मिट्टी के क्रैक से नीचे आता है, उसको परकोलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें वाटर रिसोर्स आ गए हैं, जिसमें एक फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज आ गए हैं,
और कैसे एक पानी है वो एक वाटर रिसोर्स में मैनेज हो रहा है, सब कुछ आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स द क्वेश्चन कम्स टू माइंड, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों हुई? तो एक तो वाटर क्वालिटी इसमें इम्प्रूव होगी, आप देख सकते हो उसमें आपको फ्रेश वाटर रिसोर्स है, उसका लेवल अच्छा मिलेगा, मतलब ज़्यादा मिलेगा, साथ में उसमें क्वालिटी मिलेगी आपको। इट विल रेगुलेट द वाटर फ्लो फ्रॉम ड्रॉट एंड फ्लड मैनेजमेंट, परकोलेशन अच्छे से होगा, इवोपरेशन अच्छे से होगा, डैम बिल्ड होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर का फ्लो अच्छा रहेगा। ठीक है, इट विल प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ है स्टूडेंट्स वो भी वहाँ पे रह पाएंगे। ठीक है, उसकी भी पॉपुलेशन अच्छे से हो पाएगी, इकोसिस्टम है उसमें बैलेंस रहेगा। इट विल प्रोवाइड कार्बन स्टोरेज विच इज़ नेसेसरी फॉर अ सॉइल एज अ न्यूट्रिशन, कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन, तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है अगर वाटर शेड मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, मतलब फ्रेश वाटर रिसोर्स या फिर पानी है वो अच्छे लेवल में मेंटेन है, तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके सामने लड़ने में भी अच्छा रहेगा। इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएटिंग फिशिंग एंड हंटिंग। व्हाट इज़ द नीड फॉर वाटर शेड डेवलपमेंट इन इंडिया? सी, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्स टू रिस्टोर डिग्रेडेड वाटर शेड इन रेन फेड रीजन टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू स्टोर रेन वाटर, रिड्यूस सॉइल इरोजन, इम्प्रूव सॉइल न्यूट्रिशन, कार्बन कंटेंट सो दे कैन प्रोवाइड ग्रेटर एग्रीकल्चर यील्ड एंड अदर बेनिफिट्स। एज स्टूडेंट्स यू ऑल नो, यू हैव स्टडीड इन एसेस दैट अवर इकोनॉमी इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो द एरियाज वेयर देर इज अ स्केयरसिटी ऑफ रेनफॉल द एग्रीकल्चर विल बी वीकन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो सो टू मेक इट स्ट्रॉन्गर देर इज़ अ वेरी लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर शेड डेवलपमेंट that will reduce the soil erosion, that will improve the soil nutrition and will increase the agriculture yields. So which are the traditional methods students that is implemented in different state to preserve and conserve water? So first is Khadin system, that is very much famous in Rajasthan. Nadi system is also imposed in Rajasthan. Then in Maharashtra, Bandharas is a type of a water conservation system which is used in MP and UP, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Talab or Bandhis is used for conserving the water and use it for the different purposes. Then it comes Bihar. In Bihar, ahar and pines are generally used to supply treat water and use the water for the agricultural field. And in Himachal Pradesh, that is the cold area, kuls are used, means here the pools are connected with the mountain water supply. Why I am telling mountain water supply? Because when the cold water is melted, then such cold water is converted into fresh water and it goes to the pools, and this pools is utilized to supply water to the different farms, agriculture and for the domestic purpose. So here students, I end this video. Hopefully aap sabko सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोल, पेट्रोलियम जो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज है उसके बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।